हेलो फ्रेंड्स, मथुरा भोग किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेसन के राजस्थानी गट्टे। यह बनाने में बहुत ही सिंपल है और खाने में बिल्कुल राजस्थान की महक लेकर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। गट्टे बनाने के लिए हमने लिया है मथुरा भोग बेसन 1 कप, गेहूं का आटा 1 टेबल स्पून, गाढ़ा दही 1 टेबल स्पून, तेल 1 टेबल स्पून, 1 पिंच खाने का सोडा, अजवाइन 1/4 टीस्पून, जीरा 1/4 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक स्वादानुसार। गट्टे की सभी सामग्री मिलाकर थोड़ा पानी डालकर कड़ा आटा गूंथ लीजिए। फिर उसके उंगली जितने मोटे लंबे रोल बना लीजिए। एक कढ़ाई या पैन में 3 से 4 कप पानी उबाल लीजिए। जब पानी उबल जाए तो उसमें गट्टे डालिए और 7 से 8 मिनट तक ढककर पकाइए। निकाल कर थोड़ा दबाकर देख लीजिए कि गट्टे स्टिकी तो नहीं है। अगर गट्टे स्टिकी नहीं है, इसका मतलब कि गट्टे पक चुके हैं। पानी से गट्टे निकालकर उनके मध्यम आकार के टुकड़े कर लीजिए। लीजिए, तैयार है हमारा गट्टा। यहाँ बचे हुए पानी को हमने फेंकना नहीं है, इसे हम ग्रेवी में यूज करेंगे। अब हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी। ग्रेवी बनाने के लिए हमने लिया है हरी धनिया की पत्तियां 2 टेबल स्पून, पुदीना के पत्ते 10 से 12, 2 से 3 हरी मिर्च, कटा हुआ अदरक 1 टीस्पून, राई, जीरा और हींग तड़के के लिए, तेल 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, धनिया और जीरे का पाउडर 2 टीस्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून, नमक स्वादानुसार, चीनी 1/4 टीस्पून, ताजा गाढ़ा दही 1 कप। ग्रेवी बनाने के लिए पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक सब मिलाकर मिक्सी में थोड़ा मोटा पेस्ट बनाकर अलग से रख लीजिए। हमने जो ग्रेवी के लिए दही लिया है उसे भी फेंट कर अलग से रख लीजिए। ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई या पैन में तेल गरम करके उसमें राई, जीरा और हींग का तड़का लगाकर थोड़ा लाल होने दीजिए। फिर हम उसमें डालेंगे पीसा हुआ पेस्ट जो कि हमने तैयार किया था। उसे थोड़ा तेल छोड़ने तक भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी, धनिया, जीरा पाउडर, गरम मसाला और अच्छे से उसे सिकने देंगे। जब मसाला सिककर डार्क कलर का हो जाए तब हम उसमें डालेंगे हमारे उबले हुए गट्टे जो कि हमने छोटे छोटे काट कर रखे हुए थे, और हम गट्टे को उसमें डालकर थोड़ा सेकेंगे। जब ये अच्छे से सिक जाए तब हम उसमें डालेंगे दही जो कि हमने फेंट कर रखा था। दही डालकर उसे कंटिन्यू हमें चलाते रहना है, नहीं तो हमारा दही फट जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे नमक और थोड़ी सी चीनी और इसे चलाते रहेंगे। और ग्रेवी को 2 से 3 मिनट उबाल आने के बाद हमें ग्रेवी जितनी पतली करनी है उतना हम इसमें पानी डालेंगे। और इसमें जो हम पानी डाल रहे हैं वह गट्टे को उबलते समय बचा हुआ जो पानी है वह यूज़ कर रहे हैं। 2 मिनट उबाल आने के बाद गैस की फ्लेम ऑफ कर दीजिए। लीजिए, तैयार है हमारे राजस्थानी गट्टे। इसे आप गर्मा गर्म रोटी के साथ सर्व करिए। This recipe is presented by Mathura Bhog.